हेलो बच्चों, लेट अस सी दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी x की पावर 4 माइनस ऑफ 3x की पावर 3 ऑफ 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ देन। अब यहां पे सबसे पहले नॉमिनेटर में हम पर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो फैक्टर बन जाएगा पहले के बाद मिक्स में करेंगे माइनस ऑफ 30 देन सिंपलाइज दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर फैक्टर बना ले हो गया x स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ टू होल डिवाइडेड बाई ये x स्क्वायर माइनस जाएगा 6 और प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाई दैट ये हो गया हमारा x स्क्वायर। यहाँ पे एक कॉमन लिया x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास x को कॉमन लिया x माइनस ऑफ प्लस ऑफ 5 x माइनस ऑफ After that, अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है, ये x स्क्वायर आ गया, ये x माइनस ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x प्लस ऑफ 5 और x माइनस ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब x की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे आ रहा है x माइनस ऑफ 5 जीरो वन, ये चार वैल्यू आएगा, चार ही फैक्टर 1 2 4 एंड 5 x 6। अब यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वैल्यू डाल दिया, इंक्रीजिंग में ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी डाला हुआ है, आ गया 2 हो गया एंड 6 एंड पॉइंट इधर माइनस इंटरमीटर से हमारे पास माइनस ऑफ 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, बाकी जगह पे क्या होगा ये क्लोज होगा। तो सर्कल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्वालिटी कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर इसको ले लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास आगे पॉजिटिव साइन है, ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव, सिर्फ इवन फैक्टर जीरो पे है, तो जीरो पे बैक करेंगे हम, है ना, ये अप एंड डाउन और यहाँ पे बैक कर सैडल रीजन हमारा क्या होगा, सैडल रीजन अपर पोर्शन देन इक्वल टू एन, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये सैडल पार्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x belongs to minus of 5 open interval union of closed 1 2 2 union of open tt और एक क्लोज सर्कल 0 जो है बाहर है ये हमारा 0। तो अब क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी माइनस 5, देखो क्लोज है ये वाला 6 टू इन्फिनिटी और 0, इसका मतलब होना जो चाहिए आंसर ये क्लोज है, ये ओपन है, ये ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ